राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और 6 संयुक्त महासचिवों की मौजूदगी में केरल में बीते शनिवार को 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक की शुरुआत की गई है। बैठक में आरएसएस से प्रेरित 32 संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल हो रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरण्मय पंड्या शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर की समन्वय बैठक के पहले दिन इन 32 संगठनों के लगभग 300 कार्यकर्ताओं को वायनाड में हाल ही में हुए भूस्खलन और स्वयं सेवकों द्वारा किए गए राहत और सेवा कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इन कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी शामिल हैं। विभिन्न संगठनों के संगठन सचिवों ने अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी और अनुभव साझा किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज सोमवार को खत्म हो रही है। यह आयोजन केरल के पलक्कड़ शहर में 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2024 तक किया गया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि बैठक में पश्चिम बंगाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर चर्चा हुई। इस तरह की घटना पर अंकुश लगाने के लिए तेजी से सुनवाई हो, सरकारी तंत्र की सक्रियता आदि को तेज करने पर चर्चा हुई। आगे सुनील अम्बेडकर ने कहा कि आरएसएस से जुड़ी सभी संस्थाएं इस घटना से चिंतित हैं। राज्य सरकारों की भूमिका, कानून, दंडात्मक कार्रवाई और प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। खैर, संघ प्रमुख मोहन भागवत आज शाम भाषण देंगे और इसके साथ ये बैठक खत्म होगी। इसके अलावा बैठक में जातीय जनगणना, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के साथ साथ राष्ट्रीय हित के विभिन्न मुद्दों के मौजूदा परिदृश्य, हाल ही की महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक परिवर्तन के अन्य आयामों और योजनाओं पर चर्चा की गई। संगठनों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहयोग और समन्वय को और बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों पर भी चर्चा की। केरल में बीजेपी के कमल की फैलती खुशबू के बीच आरएसएस की समन्वय बैठक पहली बार राज्य में आयोजित की गई। केरल में दशकों से आरएसएस जमीनी स्तर पर सक्रिय है, लेकिन बीजेपी को चुनावी सफलता अब जाकर मिलने लगी है। इस बैठक में जेपी नड्डा का शामिल होना कई मायने निकाल रहा है। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी को पहले आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब बीजेपी अपने आप को चलाती है। हालांकि केरल में हालात अलग हैं। यहां बीजेपी को आरएसएस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां आरएसएस बेहद मजबूत है और बीजेपी धीरे धीरे पैर जमा रही है। केरल में आरएसएस की मजबूती का ये आलम है कि संगठन की दृष्टि से आरएसएस ने इसे इसी साल उत्तर और दक्षिण दो प्रांतों में बांटा है। राज्य में आरएसएस की शाखाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। केरल में इस साल संघ की 5,142 शाखाएं हैं। 5 साल पहले 2019 में ये संख्या 4,285 थी। घनत्व के हिसाब से ये बढ़ोतरी संघ के गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी अधिक है। समन्वय बैठक का एक उद्देश्य संघ से जुड़े सभी वैचारिक संगठनों में आपसी समन्वय बढ़ाना है। सवाल ये भी है कि संघ के इतने मजबूत होने के बावजूद अन्य राज्यों की तरह केरल में बीजेपी चुनावों में ताकतवर बनकर क्यों नहीं उभर सकी। राज्य में ईसाई मुस्लिम की बड़ी आबादी, लेफ्ट फ्रंट का वर्चस्व और वैचारिक हिंसा इसका एक बड़ा कारण है। हालांकि अब बीजेपी की स्थिति सुधर रही है। ये लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका रहा। बीजेपी ने पहली बार केरल में कोई लोकसभा सीट जीती। सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट करीब 75,000 वोटों से जीती। वहीं राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर से केवल 16,000 वोट से हारे। एनडीए का वोट शेयर 19.21% हो गया, जो 2019 लोकसभा चुनाव से करीब 3.5% अधिक है। 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 30% से अधिक वोट मिले। बीजेपी 11 विधानसभा में पहले 9 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर और 10 विधानसभा सीटों पर 5,000 वोटों के अंतर से तीसरे नंबर पर आई। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा में अपनी बड़ी ताकत से उत्साहित बीजेपी अब एक बड़ी ताकत बनने की तैयारी में है। आरएसएस का कहना है कि क्योंकि संगठन 2025 में विजयदशमी पर अपनी शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, इसीलिए वो सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण के लिए 5 पहल शुरू करेगा। ये पहल क्या होंगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।